प्रश्न आया है इसके अंदर प्रताप सिंह जी खात्री आवास की तरफ से, और उसके बाद में उसमें दो चर्चाएं हुई हैं सारी की सारी राजस्थान के अंदर। मेरी जानकारी के हिसाब से तो पावर पूरी तरह सेंट्रलाइज है, पूरी तरह। जो डीजी को नियुक्ति करते हैं वही कांस्टेबल का ट्रांसफर करते हैं, कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी लोगों को सीएमआर जाना पड़ता है। तो ये किसकी आईएएस की सीआर भरने की बात कर रहे हैं, सारा पावर एक ही जगह सेंट्रलाइज। अब वो मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टेबल का ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री जी करते हैं। सौ परसेंट होना चाहिए, लेकिन कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है? वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन पावर सेंट्रलाइज है पूरी तरह। अरे मांड का मूंड फूट रहे चावला की बात कर रहे हो। 7 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक जो हमने झंडा दिवस मनाने का जो एक पहली बार फैसला हुआ है, इसमें हमारे शहीदों के लिए जो एक भावना लोगों तक पहुँचे, इसके साथ साथ हमारी सरकार ने शहीदों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी काम अपने क्षेत्र में किया है। पहले 25 लाख रुपए हम शहीद के परिजन को देते थे राजस्थान सरकार की तरफ से, उसके बाद में उसको बढ़ा के जस्ट डबल 50 लाख राशि हमने वो की। इसके बाद में एक बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला हुआ और वो अभी पिछले दिनों हमने उसको लागू किया। वो ये था कि 1971 से पहले के जो शहीद हुए, चाहे वो 65 के हैं, 62 के हैं, 47 के, उनके परिजन नाती पोती हैं उनको भी हम अनुकंपा के अंदर नौकरी देंगे। जमीन देने का जो एक प्रपोजल था कि हम इनको 25 बीघा जमीन दें, उसमें कई लोग थे जिनको जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था, कई लोग हैं जिनको जमीन लेना नहीं चाह रहे थे, तो उसके लिए भी एक 25 लाख रुपए देने का, शहीद के माता पिता को जो 3 लाख रुपए दिए जाते थे उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए करना, और उनके परिवार को भी जो महीने के जो पैसे उनके माता पिता को दिए जाते थे उनको बढ़ा के काफ़ी काम सरकार ने किए हैं।